Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next question, question 13 is, the numbers 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. Paper ke slips hain, par number 1, 2, 3 and 4 aapne likha hai. The slips are put in a box. In slip ko aapne box mein put kiya and mixed thoroughly. Aur fir acche se mix kar liya. Yani us slip ko jo hai, mix kara hai aapne. Then kya kar rahe hain aap? Person draws two slips. Ek person kya hota hai? Draw karta hai do slip ko. Bahar nikalta hai un box mein se do slip ko. One after other. Ek ke baad ek. Without replacement. Replacement nahi kar rahe hain. Yani jo slip bahar aa gayi, use wapis nahi rakh rahe. First time ke baad aapne jo slip nikali, wo bahar aa gayi. Then second time ke baad aap nikal. Now describe the sample space for the experiment. अब आपको इस experiment का sample space बताना है. See, now student you can see मैंने यहाँ पर क्या लिया है. This मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ. Four जो है यहाँ पर ले लेता हूँ. This. तो you can see the four slips हैं. इस पर number 1, 2, 3, 4 हैं. अब क्या करते हैं? इन slip को अच्छी तरह हम roll कर देते हैं. यानी अच्छी तरह इसे क्या कर देते हैं? मिला देते हैं ताकि इनका number ना दिखे. और फिर क्या कर देते हैं? मैं एक box लेता हूँ. This is a box. इस box के अंदर इन slip को डाल देता हूँ. Say this is a slip one, slip. ये slips को मैंने इनके अंदर क्या कर दिया? Put कर दिया ताकि इनके number ना दिखे. अब एक person जो है, एक पर्सन आता है यहाँ पर. ये पर्सन क्या करता है? ड्रॉ करता है, बाहर निकालता है इसे. तो बाहर निकालने के बाद फर्स्ट पहली स्लिप को बाहर निकालता है. दिस इज फर्स्ट स्लिप, नॉट वन नंबर की स्लिप नहीं है, फर्स्ट स्लिप. फिर क्या करता है? वो दोबारा से सेकंड वाली स्लिप, यानी सेकंड टाइम एक और स्लिप निकालता है. नंबर टू वाली नहीं बल्कि सेकंड स्लिप. आपको अब एक्सपेरिमेंट बताना है. तो सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सी, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जो उसने स्लिप निकाली उस पर नंबर वन हो, एंड उसके बाद जब वो सेकंड स्लिप निकालेगा तो नंबर वन वाली तो बाहर आ चुकी है. नंबर टू हो सकता है साथ में, या फिर नंबर वन के साथ में टू, या फिर नंबर वन के साथ में थ्री हो सकता है, या फिर नंबर वन के साथ में फोर आ सकता है. बस यही पॉसिबल हो सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा हो कि फर्स्ट टाइम में आपका क्या आ जाए? नंबर टू की स्लिप आए. फर्स्ट टाइम में क्या आ जाए? नंबर टू की स्लिप आए. तो सेकेंड टाइम में नंबर वन पॉसिबल है, या नंबर थ्री वाला पॉसिबल है, या फिर नंबर फोर वाला जो है पॉसिबल है. लेकिन स्टूडेंट ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में नंबर थ्री वाली स्लिप आए, सेकंड टाइम में नंबर वन स्लिप, नाउ थ्री के साथ में टू की स्लिप, नाउ थ्री के साथ में फोर की स्लिप. ये हो सकता है स्टूडेंट. या फिर स्टूडेंट ये पॉसिबल हो सकता है कि नंबर वन पर फोर वाली स्लिप आए, देन नंबर टू पर वन वाली स्लिप, देन नंबर फोर के बाद नंबर टू आए, नंबर फोर के बाद नंबर थ्री आए. तो ये वाले जितने भी केसेस होंगे ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हो जाएंगे आपके इस एक्सपेरिमेंट.